टाइगर श्रॉफ स्टारर बागी फ्रेंचाइजी न सिर्फ फैंस के बीच मशहूर है बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी इसका बोलबाला देखने को मिलता है। बीते साल ही निर्माताओं ने इस फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट की घोषणा की थी, जिसके बाद से टाइगर के फैंस का खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि टाइगर के साथ इस फिल्म में श्रद्धा कपूर नजर आएंगी और इस फिल्म की शूटिंग मई और जून के महीने के आसपास होगी। वहीं बीते हफ्ते इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। अब सुनने में आ रहा है कि टाइगर और श्रद्धा बागी 3 में एक शानदार एक्टर की एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि पहले खबरें थी कि अक्षय कुमार इस मूवी के अंदर भी नज़र आ सकते हैं, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट की आए माने तो रितेश देशमुख महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि रितेश और श्रद्धा इस फिल्म से पहले भी एक विलन में नज़र आ चुके हैं। वहीं फिल्म से जुड़े सूत्र ने एक इंटरटेनमेंट पोर्टल को जानकारी देते हुए कहा कि टाइगर और श्रद्धा इस फ्रेंचाइजी में काम कर चुके हैं, लेकिन रितेश इस फ्रेंचाइजी के अंदर नए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि रितेश एक्शन सीक्वेंस किस तरीके से करते हैं और लोगों को उनका एक नया अवतार देखने को मिलेगा। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी दावा किया गया था कि इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार भी नज़र आ सकते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार ने पहले भी कहा था कि वो बागी का हिस्सा ज़रूर बनना चाहेंगे और वो टाइगर के साथ ज़रूर काम करना चाहेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मूवी के अंदर किसे होना चाहिए विलन, अक्षय कुमार को या फिर रितेश देशमुख को? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि ये मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।